बड़ी खबर बालाघाट से है, जहां कृषि विभाग ने पुलिस के साथ संयुक्त रूप से नकली खाद बनाने वाले गोदाम पर छापा मारा। यह अब तक की सबसे बड़ी और पहली कार्रवाई है। एग्रो ग्रीन कृषि केंद्र बारा सिवनी के संचालक अजय कटरे के गोदाम पर छापा मारा गया, जहां से ब्रांडेड कंपनियों की लगभग 3,400 खाली बोरियां और अन्य कंपनियों की 1,500 भरी बोरियां बरामद की है। यहां पर असली कंपनी की खाद की बोरियों में नकली डीएपी भरकर बेची जा रही थी। गोदाम में इन बोरियों से सिंगल सुपर फास्फेट खाद को निकालकर नकली डीएपी खाद भरी जा रही थी। सामने आया था कि जो ब्रांडेड कंपनियों की जो बोरियां खाली प्रिंटेड बोरियों में सिंगल सुपर फास्फेट या कोई अन्य खाद दानेदार खाद उसमें भर करके डीएपी या 20-20-0-13 के नाम से उनको विक्रय करने का प्रयास किया जा रहा था, तो इसमें हमने एफआईआर करवाई है। ग्वालियर के टेकनपुर स्थित बीएसएफ अकादमी से 6 जून को लापता हुई लेडी बीएसएफ कांस्टेबल 36 दिन बाद बंगाल में मिले हैं। बीएसएफ की कांस्टेबल शाहना खातून और आकांक्षा निखर बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले से मिले हैं। दोनों को बीएसएफ के कोलकाता हेडक्वार्टर ले जाकर पूछताछ की जा रही है। जानकारी मिलने के बाद ग्वालियर पुलिस ने भी कोलकाता पहुंचकर दोनों लेडी कांस्टेबल के बयान दर्ज किए हैं। बयानों में दोनों लेडी कांस्टेबल ने आपसी सहमति से साथ जाने की बात कही और दोनों के बीच गहरे संबंध होने की बात भी स्वीकारी है। और जो बीएसएफ की जो एक इंटेलिजेंस टीम थी, उन्होंने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अभी इनको कलकत्ता में ट्रेस किया है और दोनों जो गुम बीएसएफ की जो ट्रेनी कांस्टेबल थी उनको अभी हमने बीएसएफ में हैंडओवर किया है और हमारी जो पुलिस की टीम है उन्होंने स्टेटमेंट भी नोट किए हैं। एमपी में अलग अलग तरह के माफिया सक्रिय हैं, उन्हीं में से एक है मुआवजा माफिया। ये सरकारी प्रोजेक्ट पास होने पर सस्ती कीमतों पर जमीन खरीदते हैं और उस पर कमजोर मकान का निर्माण करवाते हैं। प्रोजेक्ट के लिए जब जमीन का अधिग्रहण होता है तो इसके बदले में इन्हें मोटी रकम मिल जाती है। ये मामला सिंगरौली से जुड़ा हुआ है, जहां सिंगरौली से प्रयागराज नेशनल हाईवे 135C का निर्माण होना है। जैसे ही इसके लिए अधिसूचना जारी हुई, माफिया सक्रिय हो गए और किसानों से जमीन की खरीद बिक्री करने लगे। इसके बाद मुआवजा माफियाओं ने उस रूट पर 2,500 से ज्यादा मकान बनवा दिए। अधिकतर घर अधूरे बने हैं। ये मकान उस जगह बने हैं जहां से हाईवे को गुजरना है। इस खुलासे के बाद अब प्रशासन भी कार्रवाई में है। जानकारी प्राप्त हुई है कि कुछ लोगों ने 3A के प्रकाशन के बाद अपने मकान निर्माण किए हैं। ऐसे मकानों को चिन्हित किया गया है सर्वे दल के द्वारा, साथ ही उनके फोटो जियोटेक के द्वारा सेव कर लिए गए हैं। यदि कोई निर्माण 3A के प्रकाशन के बाद हमें प्राप्त होता है तो उसको नियमानुसार किसी प्रकार का मुआवजा प्रदाय नहीं किया जाएगा। प्राथमिक आकलन के अनुसार लगभग 500 मकान पुराने पाए गए हैं, साथ ही लगभग 2500 मकान नए निर्माण या जो आंशिक रूप से बने हुए हैं पाए गए हैं। सिंगरौली